रायगढ़ जिले में हुई भेंट मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि सरकार की योजनाओं का जनता से अच्छा फीडबैक मिल रहा है। जिले में सड़कों की हालत ठीक नहीं है, उसके लिए स्वीकृति दी गई है। दीपावली के बाद जिले में सड़कें बनानी शुरू हो जाएंगी। कई जगह बैंक खुलवाने के लिए भी मांग की गई थी, जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी है। केंद्र के 12 जातियों को ST में शामिल करने के मुद्दे पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि मात्रात्मक त्रुटि के कारण लोगों को योजनाओं का फायदा नहीं मिल पा रहा था। भारतीय जनता पार्टी ने स्वीकार किया कि पिछले 15 साल से मात्रात्मक त्रुटि सुधरी नहीं, जिसमें रमन सिंह मुख्यमंत्री थे। और जब आखिरी बार भी उन्होंने चिट्ठी लिखी, तब भी केंद्र में उनकी सरकार थी, तब भी वो नहीं सुधरा। लोग आंदोलन करते रहे, सौरा जनजाति के आंदोलन में खुद ही गया था, हजारों लोग उसमें शामिल थे। अभी फिर से जब हमने 2021 में पहल की और नीति आयोग की बैठक में भी इस मामले को उठाया, तब जाके ये पूरा हुआ। देखिए, केंद्र सरकार को इससे कोई लेना देना नहीं कि आम जनता को इससे क्या परेशानी हो रही है। लगातार ऐसे निर्णय ले रहे हैं जिससे जनता को परेशानी हो। जब से रेल यातायात शुरू हुई है, तब से सरकार ने कभी रेल बंद नहीं किया था। आंदोलन चलते बंद हो जाए या संधारण के लिए एक आध दो दिन के लिए बंद हो जाए, महीनों महीनों तक के सैकड़ों ट्रेनें बंद हो, जिसे गरीब लोग, मध्यम श्रेणी के लोग यातायात करते हैं, उसको बंद कर दिया गया, उसकी परेशानी से इसे कोई लेना देना नहीं है। सभी विधानसभा भेंट मुलाकात कार्यक्रम संपन्न हुए, और जिसमें अभी रायगढ़, खरसिया, धर्मजयगढ़ और लैलूंगा ये सारे विधानसभा कंप्लीट हुए। रायगढ़ जिले में मुख्य रूप से सड़कों की हालत ठीक नहीं है, खासकर जो खदान एरिया है, कोयला खदान है, चाहे वो SCCL के हो चाहे वो प्राइवेट हो, और इस कारण से बड़ी गाड़ियाँ जाने के कारण सड़कें खराब हुई है। और सारे उसको स्वीकृत भी कर दिए गए, बरसात के बाद उसे प्रारंभ किया जाएगा।